सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब का स्वागत है साडे चैनल पंजाबी क्लास दे विच। सो दोस्तों, अगला पेपर अठवीं जमात वाले दा है हिंदी सैकेंड लैंग्वेज यानी कि हिंदी दूजी भाषा का। सो दोस्तों, बिना समा वेस्ट करदे होए सीधा ही पेपर वाल वधदे हैं, ठीक है जी। सो दोस्तों, इत्थे तुहाडे को पहला ही माफी मंगना चाहते हैं, साडा हिंदी का उच्चारण कोई बहुत ज्यादा वधिया नहीं है, शायद बहुत सारिया थानू गलतियां उच्चारण दे विच थानू सुनन नू मिलन। सो उसदे लई पहला तो ही माफी मंगदे, ठीक है जी। सो आओ शुरू करते हैं। सब तो पहला भाग क, पाठ्य पुस्तक। नियमित प्रयाश में से किसी एक प्रयाश के सरलार्थ लिखे। सो पढ़ते हैं, मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है, जब निरस्वार्थ सेवा भाग जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ, केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। सो प्रसंग करते हैं, प्रस्तुत प्रयाश डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा लिखित माँ नामक कविता में से लिया गया है। कवित्री के इन वाक्य पंक्तियों में माँ के गुणों को दर्शाया है। सरलार्थ, माँ सदैव मर्यादाओं में रहती है, भाव सहनशीलता में रहती है, सहनशीलता का गुण माँ का उपहार है। जब माँ बिना किसी स्वार्थ के सेवा भावना से जागती है, तब वह धरती बन जाती है, उसका विस्तार केवल देने में है, अर्थात माँ सदैव ही सभी को स्नेह प्रदान करती है, उसके चरणों में ही स्वर्ग का द्वार है। भावार्थ, माँ के चरणों में ही आकर स्वर्ग प्राप्त होता है, अथवा यानी कि ऑप्शन आएगी थानू। सो अगला है, दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चार को ठाऊ ना रहत निदान, ठाऊ ना रहत निदान, जिय दत्त जग में यश लीजे, मीठे कान सुनाए, विनय सब की ही कीजे, कह गिरधर कवि राय, अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निच दिन चार, रहत सभी ही के दौलत। सो इस प्रसंग करते हैं, प्रस्तुत प्रियांश गिरधर की कुंडलिता में से लिया गया है। इसमें कवि ने धन की चंचलताओं के बारे में बताते हुए कहा है कि धन तो आता जाता रहता है। व्याख्या, कवि गिरधर जी कहते हैं, मनुष्य को धन दौलत पर सपनों में भी घमंड नहीं करना चाहिए, यह चंचल पानी की भांति अस्थिर है, जो कि निश्चित से कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। धन अस्थिर या चंचल होने के कारण मनुष्य को जीवित रहते हुए भी अमन समन प्राप्त करना चाहिए, सभी को मधुर बोल बोलने चाहिए, सभी से निम्रता पूर्व व्यवहार करना चाहिए। कवि कहता है कि अरे कम क्यों तोलता है, यह धन सभी के पास चार दिन का अतिथि है। भाव यह है कि धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नश्वान है। सोगे प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग चार पांच पंक्तियों में लिखे। सो नीचे थानू पांच दिते होंगे, पंजां चो कोई तीन करने हैं। सो करते हैं, नंबर एक, सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर बताएं कि विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला। उत्तर, विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर पकड़े गए, अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए उनका दमन चक्र तेज कर दिया, राजगुरु और सुखदेव के अतिरिक्त असंख्य युवक जेलों में बंद कर दिए गए, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर को काले पानी की सजा हो गई। आगे प्रश्न नंबर दो, कल्पना चावला के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं। उत्तर, कल्पना चावला के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सपने केवल सोचने से ही सच नहीं हो जाते, उनको पूरा करने के लिए अंथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, वही अपने सपनों को साकार होते देखता है। नंबर तीन, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। उत्तर, कारखानों में धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड होती है, जो कि पानी के साथ मिलकर अम्लीय बन जाती है, अतः जब वर्षा होती है तो वह अम्लीय वर्षा होती है। नंबर चार, वाघा बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है। उत्तर, वाघा बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म साय 5:30 बजे आरंभ हो जाती है, यह रस्म करीब आधे पौने घंटे बाद पूरी हो जाती है। इसमें BSF के जवान पूरे उत्साह एवं जोश से परेड में भाग लेते हैं, वे पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं, दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, धीरे धीरे दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे उतार कर संभाल लेते हैं और गेटों को फिर से बंद कर दिया
जाता है। अगे नंबर 5, ईदगाह पाठ के आधार पर हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखें। उत्तर, हामिद 13-14 वर्ष का अनाथ लड़का है, उसका बाप नहीं है, वह हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होते होते एक दिन मर गई। इस दुबले पतले बच्चे की देखभाल उसकी दादी माँ अमीना कर रही है। गरीबी का शिकार, वह बेचारा गरीबी का शिकार है, उसके पाँव में जूते तक नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है और ईदगाह जाने के लिए सिर्फ 3 पैसे। संतोषी, मेले में बच्चों को मिठाई खरीदी, खिलौने खरीदने पर संतोषी स्वभाव वाले हामिद ने दादी के बारे में ही सोचा और उसके लिए चिमटा खरीदा। बुद्धिमान, हामिद अत्यंत बुद्धिमान है, तभी तो वह 3 पैसों का प्रयोग बड़ी बुद्धिता से करता है। आगे भाग व्यवहारिक व्याकरण। प्रश्न नंबर 3, किन्हीं 4 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दें। नंबर 1, आवश्यक शब्द की भाववाचक संख्या लिखें। उत्तर, आवश्यकता। नंबर 2, मनुष्य शब्द की भाववाचक संख्या लिखें। उत्तर, मनुष्यता। नंबर 3, नियमित लिखित वाक्य में उचित योजना शब्द को क्रोचिस्ट में से चुनकर रिक्त स्थान भरें। ऐसा लगता है डैश सब कुछ आपके पास हो रहा है। सो ऑप्शन ने ताकि मानो, सो इतने आएगा ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है, सो इतने आएगा मानो। ये नंबर 4, निम्नलिखित लिखे वाक्य में से उचित योजक शब्द को क्रोष्ठक में से चुनकर रिक्त स्थान भरे, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। हामिद बड़ा चलाक है, डैश अपने पैसे बचाकर रखे थे, इसलिए परंतु। सीधा उत्तर है, हामिद बड़ा चलाक है, इसलिए अपने पैसे बचाकर रखेंगे। नंबर 5, नदी के किनारे एक गांव था, इस वाक्य में संबंध बोधक छांट कर लिखें। उत्तर, के, नदी के, यानी कि के आएगा। अगले नंबर 6, हम लिखते हैं इस वाक्य में उत्तम पुरुष छांट कर लिखें। उत्तर, हम। आगे भाग रचनात्मक लेखन, नियमित लिखे में से किसी एक विषय पर पत्र प्रार्थना पत्र लिखें। छुट्टी वाले दिन स्कूल के क्रीड़ा क्षेत्र प्ले ग्राउंड में क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखें। सब तो पहला सेवा में प्रिंसिपल महोदय स्वामी प्रेमदास हाई स्कूल जालंधर, जो भी थोड़ी स्कूल का नाम है, तुझे लिखना है, महोदय मैं आपके स्कूल की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ तथा स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि श्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन करते हुए हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम जिला जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब हमारा मुकाबला खालसा हाई स्कूल के साथ रविवार को होगा। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि यह मैच स्कूल के क्रीड़ा क्षेत्र में खेलने की अनुमति दी जाए। हम आपके अत्यंत आभारी होंगे। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी थोड़ा नाम है वो लिखना है, कक्षा 8वीं, दिनांक यानी कि मिति वो लिखना है 20 मार्च 2022, जेडी भी तरीक को लिखोगे वो आएगा, अथवा दूसरी लेटर मित्र के जन्म दिवस पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखे। सो मकान नंबर 15, यहाँ पे एड्रेस लिखना है। फिर, प्रिय मित्र दीपक, सुप्रेम नमस्ते, आज ही मुझे आपके जन्मदिन पर आने का आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। प्रिय मित्र, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बधाई हो। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी सफलता सदा आपके पांव स्पर्श करे। भगवान आपको त्रिआयु प्रदान करे और आप जीवन में सफलता के शिखरों को छुए। मेरी इस शुभ अवसर पर आपको प्रति यही शुभकामनाएं हैं। मैं इस अवसर पर अवश्य उपस्थित होऊंगा। हम सभी मित्र खूब मौज मस्ती करेंगे। मैं पुनः आपको जन्मदिन की अग्रिम बधाई देता हूँ। शेष मिलने पर आपका परम मित्र, जो भी थोड़ा नाम है। और आगे भाग रचनात्मक लेखन, नियमित लिखे में से किसी एक विषय पर लगभग 150-200 शब्दों में निबंध लिखे। स्वच्छता अभियान, प्रातः काल की सैर, स्वतंत्रता दिवस। सो कर दे, हाँ सारे ही करांगे। सो सबसे पहला स्वच्छता अभियान, भूमिका। स्वच्छता केवल हमारे घर सड़क तक के लिए ही नहीं अवश्य भूमिका स्वच्छता केवल हमारे घर सड़क तक के लिए ही आवश्यक नहीं होती है, बल्कि यह देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इससे न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ हो
स्वच्छ रहेगा बल्कि पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के प्रत्येक गांव और शहर में प्रारंभ किया गया है। देश के प्रत्येक गली गांव की सभी सड़कों से लेकर शौचालय का निर्माण करना और देश के बुनियादी ढांचे को बदलना ही इस अभियान का उपदेश है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान को भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी को 145वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपथ पर जन समूह को संबोधन करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने को कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है। साफ सफाई को लेकर भारत की छवि को बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मुहिम से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की। महात्मा गांधी जी का सपना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता और ईश्वर भक्ति के बराबर माना था। वह सभी नागरिकों को एक साथ मिलकर देश को साफ रखने के बारे में सोचते थे। इसी के तहत जिस आश्रम में वो रहते थे वहाँ रोजाना सुबह 4 बजे उठकर स्वयं सफाई करते थे। उन्होंने धर्म आश्रम महाराष्ट्र में अपना स्वयं का शौचालय बनवाया था जिसको प्रतिदिन सुबह शाम साफ भी करते थे। गांधी जी के इस स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान के उपदेश। नंबर 1, खुले में शौच बंद करवाना जिसके तहत हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। नंबर 2, लगभग 11 करोड़ 11 लाख व्यक्तिगत सामूहिक शौचालय का निर्माण करवाना जिसमें 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नंबर 3, शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागरूकता को शुरू करना। नंबर 4, गांवों को साफ रखना। नंबर 5, 2022 तक सभी घरों में पानी की पूर्ति सुनिश्चित करके गांवों में पाइपलाइन लगवाना है जिससे स्वच्छता बनी रहे। स्वच्छ भारत अभियान में अन्यों का योगदान। स्वच्छ भारत अभियान ना केवल आम लोग बल्कि सरकारी मंत्रालय के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में मुजरुल्ला सिन्हा, बाबा रामदेव, शशि थरूर, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम जैसे नामची हस्तियों भी इस अभियान में जुड़ी है और सभी को स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होने को आमंत्रित कर रही है। उपसंहार। जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने आप में लागू करें। महात्मा गांधी द्वारा कहा गया यह कथन स्वच्छता पर ही आधारित है। उनके अनुसार स्वच्छता की जागरूकता की मशाल सभी में पैदा होनी चाहिए। इसके तहत स्कूलों में भी स्वच्छ भारत अभियान के कार्य होने लगे। स्वच्छता से ना केवल हमारा तन साफ रहता है बल्कि हमारा मन भी साफ रहता है। स्वच्छ भारत अभियान की मशाल आज पूरे भारत के लिए आवश्यक है जिसके तहत कई कार्य किए जाते हैं। अगे हटवाड़ा जो ऐसे है वो है प्रातः काल की सैर। भूमिका। संसार में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो तथा शरीर में किसी भी किस्म के रोग पैदा ना हो, लेकिन ऐसा तभी संभव होता है जब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रातः काल का भ्रमण या व्यायाम करें। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे शरीर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार निरोग शरीर के लिए भ्रमण करना भी आवश्यक होता है। शरीर को निरोग रखने के लिए कई किस्म के व्यायाम होते हैं। प्रातः काल का भ्रमण भी इसी प्रकार का ही एक व्यायाम है। इससे शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है। प्रातः काल के समय सैर करना तथा धीरे धीरे चहल कदमी करते हुए टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुंदर और
और मन लुभावना होता है। भ्रमण के समय रास्ते का वातावरण बड़ा सुंदर होता है। इस समय पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ने की तैयारी में चहचहा रहे होते हैं। तारे और चंद्रमा रात भर पहरा देकर विश्राम करने के लिए जाने वाले होते हैं। इस समय पक्षियों का चहचहाना बड़ा लुभावना होता है। नगर के बाहर किसी उपवन में पहुंचकर यह आनंद काफी बढ़ जाता है। वहां के वृक्षों, पक्षियों, लताओं, फूलों को देखकर हम आनंद विभोर हो जाते हैं। फूलों पर भौरों की गुंजार मन को बहुत भाती है। हरी हरी घास पर बिखरे ओस के कण सूर्य के प्रकाश में मोतियों की भांति चमकते सुंदर दृश्य पैदा करते। लाभों का भंडार। प्रातःकाल का भ्रमण करने के अनेक लाभ हैं। प्रातःकाल उठने से शरीर में सुफुर्ती आती है, इससे मन प्रसन्नता से खिल उठता है। शरीर में रक्त संचार तेज गति से होता है, चेहरे पर तेज आता है। ठंडी ठंडी हवा के सेवन से मुखमंडल चमकने लग जाते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में ताजगी आती है और कई रोगों का निवारण होता है। पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, इससे बुद्धि बढ़ती है। यदि नियमित पूर्वक प्रातः काल का भ्रमण किया जाए तो रोग निकट नहीं आते। उपसंहार। प्रातःकाल के भ्रमण के लिए मनुष्य को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, यह बड़ा उपयोगी है। वृद्धावस्था में प्रातःकाल का भ्रमण बड़ा लाभदायक होता है। मानसिक कार्य वाले लोगों के लिए भ्रमण विशेष उपयोगी होता है, इससे आयु भी बढ़ती है। सो अगला लेख है जो है स्वतंत्रता दिवस भूमिका। 15 अगस्त 1947 दिन हम सभी भारतीयों के लिए एक अविस्मरणीय दिन रहेगा। इस दिन को इतिहास कभी भुला नहीं सकता। सदियों की गुलामी के बाद आज ही के दिन हम भारतवासी आजाद हुए थे। सबने शांत और सुख का अनुभव किया था। इस दिन का प्रभाव कुछ अद्भुत यादें संजोते हुए आता है। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार है। अनेक बलिदान। भारत सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। आजादी प्राप्ति के लिए अनेक लोगों को अपनी कुर्बानियां देनी पड़ी। अनेक वीरों की गाथाओं इस आजादी के साथ जुड़ी हुई है। देश की आजादी के लिए लोकमान्य बाल गंगा तिलक ने हमारा नारा दिया, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसके लेकर ही रहेंगे। इस हेतु उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव का आयोजन किया, जिसकी आड़ में लोगों में स्वतंत्रता की चिंगारी फूकी। लाला लाजपत राय ने लाठियों के वार सहन करके भी अपना आंदोलन बंद नहीं किया। उनका कहना था कि मेरी छाती पर पड़ा लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के कफन में कील का काम करेगा। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा था कि बिना आत्म बलिदान के आजादी प्राप्त करना असंभव है। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में एक विशेष महत्व था। यह अहिंसा और सत्याग्रह पर विश्वास करते थे। यह सन 1928 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और अंत तक अपने उपदेश की प्राप्ति के लिए आंदोलन करते रहे। उन्होंने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाया। उन्होंने देश के लोगों को हिंसा के बल पर आजादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा तथा त्याग के सम्मुख अंग्रेजों को नतमस्तक होना पड़ा। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी पाने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। इन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी और ना जाने कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता करवाने की पहली ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने निरंतर 18 वर्ष तक अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और हम आजाद। विविध आयोजन। यह उत्सव भारत के प्रत्येक ग्राम, नगर एवं शहर में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। पाठशालाओं में आज के दिन विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गीत गाया जाता है एवं सारा वातावरण उल्लास समय रहता है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी अपना राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं। दिल्ली के लाल किले और अन्य प्रमुख स्थानों पर तिरंगा झंडा
झंडा लहराया जाता है। उपसंहार। 15 अगस्त के दिन हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि देश की अखंडता, एकता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रत्येक भारतवासी समान रूप में समर्थ है। यह त्योहार हमें देशभक्त की प्रेरणा देता है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सफलता की प्रेरणा प्रदान करता है। यह हमारे लिए महान राष्ट्रीय पर्व। आगे भाग। निम्न लिखे मुहावरों लोकितराओं में से किन्हीं पांच को वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करते हैं। उत्तर नंबर एक, बाल भी बांका ना होना, इस अर्थ है कुछ ना बिगाड़ना। चोर ने पुलिस के डर से किसी का बाल भी बांका ना। नंबर दो, दिल बैठ जाना, डर जाना, घबरा जाना या फिर चुप हो जाना। जब मैंने राम के पिता की अचानक मौत की खबर सुनी तो मेरा दिल बैठ। नंबर तीन, एक पंथ दो काज, एक रास्ते में दोनों काम होगा। तुम तो बड़े समझदार हो, एक ही बार में दोनों काम कर दिए, या तो एक पंथ दो काज वाली बात हुई। नंबर चार, छक्के छुड़ाना, हरा देना। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की टीम के छक्के छुड़ा दिए। नंबर पांच, बिना विचारों जो करे सो पाछे पछताए, पीछे से पछताने ना पड़े सोच समझकर काम करना चाहिए। अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए, नहीं तो बिना विचारे जो करे सो पछताए वाली कहावत हो जाती है। नंबर छह, दिनों दिन सूखना, चिंतन करना। मोहन की माँ मोहन की शरारतों और पढ़ाई के मन ना लगने से दिनों दिन सूखती जा रही। आगे नंबर सात, जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा से ही सफलता प्राप्त होती है। अरे मित्र, ऑपरेशन करने की इच्छा तो करो, तभी तो आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। आगे भाग ड। प्रश्न नंबर सात, किन्हीं दो पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। कलेश कलेश, धन धन्य, राक्षस राक्षस। ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है जी। किन्हीं दो पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद क। तेरियां उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां सन। उत्तर, तुम्हारी उंगलियों तवे से जल जाती थी। आगे ख, आज भी वो सारे दे दिलां ते राज करती। उत्तर, आज भी वो सभी के दिलों पर राज करती है। ग, ए उसका मनपसंद विषय। उत्तर, ये उसका मनपसंद विषय था। सो अगे है सुंदर लिखाई दे दो नंबर। सो बचे हो ए सी थोड़ा सैंपल पेपर, कल थोड़े लिए लेके आवांगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेसन वाइज, ठीक है जी। सो मिलते हैं अगली वीडियो विच, तब तक लई धन्यवाद।